रांची का फ्री में काहे कि हम जीवन सेवा सदन के तरफ से टिकट भी कराते हैं, इलाज कराने भेजते हैं, गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली, एम्स तक भेजते हैं टिकट करा के अपने खर्चे से। तो अगर उनको लास्ट में जरूरत पड़ेगा तो हमसे भी टिकट करवा लेंगे। मैंने एक कदम चला, मेरे छोटे भाई ने दो कदम चला, मैंने एक कदम चलाया। जीवन जागो युवा का नेता है, ये हमेशा युवा के बीच कभी भी दिखाई पड़ता है। प्रजा सर लगी ना एगो बीच में मार दे, घीच लेबे तो खींच लेबे तो भाई नया चेहरा, नया चेहरा, नया चेहरा हर जगह सुनने को मिला। फिर नया चेहरा के बाद पता चला कि सिवान में कभी विकास ही नहीं हुआ है, कोई काम ही नहीं हुआ है। बहुत ऐसी बातें सुन सुन के रियलाइज करते गए। चुनाव आया, सबको सिंबल मिला, हमको चुनाव लड़ना नहीं था, हम तो शुरू से बोलते रहे। जनता से हमने राय लिया, जनता के द्वारा राय हमें 10 तारीख से पहले मिला कि चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव जनता का अधिकार है, हर आदमी को अधिकार है चुनाव लड़ने का। जनता की जो चाह होती है वही राह होती है, जनता मालिक है। जनता जिसको चाहे जमीन पला दे, जनता जिसको चाहे आसमान में बिठा दे। खटिया छाप मिला है 2009 में, यही खटिया तो तमाम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्या लग रहा है फिर एक बार 2009 के बाद? अच्छी एक बात बताइए, ये तो कहीं ना कहीं किस्मत का बात है कि नहीं? एक निर्दलीय प्रत्याशी जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, जिसका कोई हैसियत नहीं है कि एमपी का चुनाव लड़े, और खटिया छाप मिल गया 2009 वाला। ओम प्रकाश यादव जी भी एक गरीब का बेटा था, मैं भी एक गरीब का बेटा हूं, तो मुझे भी खटिया छाप मिला इसलिए कि खटिया छाप एक पहचान है निर्दलीय के लिए सिवान की जीत का। तो जब ओम प्रकाश जी सिवान के अपराध को मुक्त करने के लिए चुनाव लड़े और जनता ने उन्हें जिताया, जनता मालिक है। उसी तरह 2024 में जीवन यादव को जनता ही जिताएंगी, क्योंकि जनता मालिक है। और मैं भी यही मामला लेके निकला हूँ, स्लोगन लेके निकला हूँ, संकल्प लेके निकला हूँ कि सिवान में जो भय, जो भ्रष्टाचार है, जो स्वास्थ्य में भ्रष्टाचार है, जो शिक्षा में भ्रष्टाचार है, जो आपराधिक है, अपराधी जैसे कि आप पैसा लेके बैंक से निकल के नहीं जा सकते, CSP का पैसा लूटा जा रहा है, बैंक का पैसा लेके जा रहा है, छीन लिया जा रहा है, ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो सिवान की जनता के साथ हो रहा है, लेकिन आवाज़ उठाने वाला कोई लीडर नेता नहीं है। सो मैं इसी संकल्प को लेके चुनाव लड़ा हूँ कि जनता जब मालिक है तो जनता मुझे मौका क्यों ना दे, मैंने तो काम करके दिखाया। सिवान की जनता निर्दलीय प्रत्याशी को एक बार मौका दी थी 2009 में, और आपको भी पता है कि सिवान विकास से वंचित रह गया निर्दलीय प्रत्याशी को जिताने के बाद भी, तो आपको फिर जनता क्यों वोट करेगी? क्या फिर दोबारा? देखिए वो तो हम नहीं जानते हैं कि ओम प्रकाश जी ने विकास किया कि नहीं किया, मैं नहीं जानता। मैंने एग्जांपल आपने पूछा कि 9 में उन्होंने जनता ने जिताया था, मैंने विकास का बात नहीं किया। 2009 में जनता ही चुनाव लड़ी थी, जनता चुनाव लड़ी थी, प्रकाश जी चुनाव नहीं लड़े थे, जनता चुनाव लड़के उनको कुर्सी पे बिठाने का काम किया था। 2024 में भी सिवान में जीवन जा तो चुनाव नहीं लड़ रहे, जनता चुनाव लड़ रही है। जनता को जरूरत है एक ऐसे लीडर की जो उनके बीच का हो, उनके दुख सुख में शामिल हो, उनके सिवान के लिए विकास करने का काम करे, सर्वांगीण विकास करे, गली से लेके नली से लेके शहर के कोने कोने तक। सिवान को जो यूनिवर्सिटी चाहिए, जो अग्निशमन की गाड़ी चाहिए, जो स्टेडियम खेलकूद के लिए चाहिए, जो लाने वाला हो सिवान की जनता, उसको ना चुनाव में वोट देके जिताएंगी? जीवन जी, बिहार में जातीय जो चुनावी है यानी जाति जो राजनीति है इसे अछूता नहीं है। आपसे भी पूछेंगे तो आप भी कहेंगे हमारे साथ सारे जाति के लोग हैं, लेकिन एक मास्क वोट होना चाहिए। यादव समाज के जो लोग हैं वो दोमच में हैं, दो यादव चुनाव लड़ रहे हैं, तो आखिर यादव समाज किधर है आप बताइए। अच्छा एक बात बताइए, आप एक युवा हैं, हाँ एक बात आप हमसे सवाल किए कि दो यादव लड़े हैं, यादव किधर हैं? जी एक बात बताइए, दो यादव में कौन कौन लड़ा है, नाम बताइए। अभी लड़ रहे हैं ना? हाँ कौन कौन लड़ा है? और बैरी चौधरी हैं और आप हैं। रुकिए रुकिए, दो आदमी लड़ा है। चलिए एक बात बताइए, दोनों आदमी का मास वोट बताइए आप।
हालांकि राजद के साथ जो यादव वोट तो शुरू से रहे हैं, ठीक, इस बार निर्दलीय राजद के साथ यादव का टैग हटा दीजिए, राजद को सिर्फ यादव का वोट मिलेगा, बैस वोट मिलेगा राजद को? कभी बैस वोट मिलेगा? आज तक नहीं मिला है। सवर्ण वोट मिलेगा? नहीं, ये तो अंदाजा नहीं। रुकिए, क्या कह रहा हूँ, आपने कहा ना, आपने समीकरण की बात की, तो समीकरण की बात मैं कर रहा हूँ सिवान की। राजद को बैस वोट नहीं मिलेगा क्योंकि वो बीजेपी का वोट है, सवर्ण वोट नहीं मिलेगा क्योंकि वो बीजेपी का वोट है, दलित वोट में भी आधा आधा है बीजेपी और वो राजद, मैंने आधा नहीं, राजद कम है, बीजेपी का ज्यादा है, पासवान लो भाजपा में, ऐसे करके वोट हर बढ़ चुका है। जातीय समीकरण की बात करें बिहार की, तो जब जातीय समीकरण पे आते हैं तो राजद का सिर्फ यादव वोट बच गया, ऑलरेडी मुस्लिम कैंडिडेट होने के चलते माइनॉरिटी तो खत्म हो गया। तो बताइए कि जब राजद को कौन सा वोट मिलेगा? यादव वोट, ठीक, तो एक यादव के वोट पे आप चुनाव लड़के जीत सकते हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। सवाल आपने किया तो जवाब भी आप ही के जवाब में है। जवाब दे रहे हैं हम। मिलेगा चुनाव? नहीं जीत पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी राजनीति जातीय समीकरण पर नहीं होता है। कोई बिहार का नहीं, हिंदुस्तान का कोई एमपी बता दे कि मैं अपनी जाति के वोट पे जीत के दिखाऊंगा। आप नहीं, रीढ़ की हड्डी तो होना चाहिए ना। रीढ़ की हड्डी जब होती है ना तो कभी कभी टेढ़ी हो जाती है ना, तो रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है। राजद के साथ मास वोट नहीं ना है। यादव समझ कहाँ है? माइनॉरिटी वोट कहाँ है? माइनॉरिटी के चुनाव लोग लड़ रहे हैं तो उनको चला गया। बिल्कुल, सिर्फ एक राजद के यादव का। मेरे साथ प्लस पॉइंट क्या है बताएं? बताइए। मुझे बैस का वोट मिल सकता है क्योंकि मैंने बैस का नेता दिया है, और आने वाले समय में अगर मैं एमपी बनता हूँ तो बैस समाज को एक विधायक दूंगा मैं। किसी न किसी से एमपी गुप्ता हो सकते हैं, अगली आने वाली विधायक हो सदर की, है ना संभावना? बिल्कुल, मैंने चेयरमैन बनाया ना उनको मदद करके। बिल्कुल, समाज जिसको मान सम्मान चाहिए, सवर्ण समाज को और कुछ नहीं चाहिए। मान सवर्ण जो समाज होता है उनको सिर्फ मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा चाहिए, जो हम हमारा काम समय से हो जाए और मान सम्मान मिले। कोई भी नेता उनके दरवाजे पे जाए, मान सम्मान दे, वो आए तो उनको मान सम्मान चाहिए जो देश की राजनीति तय करते हैं। तो जीवन यादव सवर्ण को मान सम्मान देते हैं और देते आ रहे, देते रहेंगे। दलित जिनके लिए मैं काम करता हूँ, दलित जिनके लिए मैं काम करता हूँ, हर बस्ती में जाके दुख सुख बीमारी सब में पूछता हूँ, आँख से ऑपरेशन से लेके कोई भी बीमारी, शादी ब्याह कहाँ मदद नहीं करता हूँ। किसी समाज को भी मैं नहीं छोड़ा हूँ, सबके लिए कुछ ना कुछ किया हूँ। तो मेरे साथ तो प्लस पॉइंट है ना, कि अगर सबके दिमाग में आ जाए सवर्ण को, बैस को, दलित को, यादव को, कि नहीं जीवन यादव एक काम करने वाला लड़का है, जुझारू लड़का है, सामाजिक लड़का है, ईमानदार है, मेहनती है, कर्मठ है। जो नगर परिषद को बोला था कि गोरखपुर की तरफ बनाऊंगा तो डेढ़ साल में एग्जाम्पल के तौर पे काम इतना कर दिया है कि हर गली हर नुक्कड़ हर चौराहे पे काम ही लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं सब जाति के जो लोग हैं, जो सामाजिक बुद्धिजीवी लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, उनके दिमाग में अगर ये आ जाए कि जीवन यादव तो ना राजद है, ना भाजपा है, ना कांग्रेस, ना जदयू है, एक सामाजिक लड़का है, आई इस सामाजिक लड़के को अगर हम जिता देते हैं तो ये पक्का जिला को मजबूत करेगा, सिवान की जरूरतों को पूरा करेगा, लोगों को मान सम्मान के साथ उनका काम करेगा, समय पर बुलाने पे उनके दरवाजे जाएगा, किसी को रात को परेशानी हो जाए, फोन आ जाए तो वहां पहुंच जाएगा। ये तो काम करके मैंने दिखाया है ना, ये तो काम करके मैंने दिखा के एग्जाम्पल के तौर पर कुछ ऐसा किया है जिसके बदौलत मैं वोट मांगने निकला हूं। मेरे साथ तो प्लस पॉइंट है कि सभी जाति के वोट है, सभी वर्ग का वोट है, तो मैं तो चुनाव जीतने की पोजीशन में हूं ना। अगर सभी जाति का वोट अगर कर्म पे मिल जाए, काम पे मिल जाए, पार्टी हट जाए, जाति हट जाए, तो एक नंबर स्थान है कि नहीं चुनाव जीतने में, है कि नहीं? अगर जाति या पार्टी हट जाए तो जीवन यादव से अच्छा कैंडिडेट कौन है? होगा इस बार जाति पार्टी सब खत्म है सिवान में, इस बार जीवन यादव को वोट करके लोग चुनाव जिताएंगे और मैं जिला को भी मजबूत करूंगा और देश को भी मजबूत करूंगा। 2009 में जब भाजपा और जदयू के समर्थित उम्मीदवार बृषन पटेल आए थे और उनको भाजपा और जदयू से टिकट भी मिला था, चुनाव लड़े थे, 43,000 वोट आए थे, बस 43,000। इस बार भी जो एक भाजपा का एक बहुत बड़ा तबका है, जो कैडर वोट है, वो अभी के वर्तमान प्रत्याशी हैं, उनसे नाराज दिख रहा है, उखड़ा दिख रहा है। क्या लगता है इस बार भी इसका फायदा जीवन यादव को मिल पाएगा क्या, जिस तरीके से खटिया को मिला? देखिए, एगो कहानी सुनाते हैं। एगो आम के बगीचा में एगो लड़का खड़ा था, ईटा लेके आम तोड़ रहा था, तो मारा आम लग गया लेकिन थोड़ा सा जरिया में फंस गया आम, वहाँ वो चला गया, वहाँ एक और दूसरा लड़का आया, तले आम वह गिर गया, बात समझ में आई? उसको मिल गया,
घर गया तो जो मारा था ना वो उसके घर खुद आम का गाछ था, तो गया तो अपने घर तोड़ के खा लिया। आज जिसको मिला ना उसके पास कुछ नहीं था, वो बहुत कमजोर गरीब का बेटा था, उसके घर आम का बगीचा नहीं था, तो उसको आमो मिला ना तो ले गया ना घर अपनी माँ को दिया, तो आम उसकी माँ चटनी पीस के और सतुआ सान दी, सब घर परिवार के लोग खा लिए। समझ में आ रहा क्या कहना चाहते हैं कि जिस नसीब में जिसको लिखा होगा सिवान का करता धरता व्यवस्था बदलने का, समय के हिसाब से सिवान बदल जाए तो जीवन यादव ना एमपी बनने के लालच में है ना विधायक बनने के लालच में है। जीवन यादव का सपना है कि सिवान का सर्वांगीण विकास हो, सिवान में बदलाव आए, सिवान में जुमलेबाज नेता खत्म हो जाए, सिवान में जो नेता आगे से आए वो काम करने वाला हो। मुझे देख, अगर मैं एमपी बन जाता हूँ तो बिहार के सारे एमपी लोग का चुनाव अगली बार काम पे होने लगेगा। नाराज कैडर्स का आपको आप लुभा पाएंगे उन लोगों को? हमको लुभाना नहीं है सरकार हुजूर, हमको लुभाना नहीं है। जो सवर्ण जाति के लोग हैं, जो वैश्य जाति के लोग हैं, जो दलित जाति के लोग हैं, जो यादव वर्ग के लोग हैं, उनको काम अगर चाहिए तो जीवन यादव है, सिर्फ नाम चाहिए तो बाकी हेलीकॉप्टर है ही है, मुझे क्या फर्क है। एक बड़े नेता हैं सिवान के, वो आप पर हमला कर रहे हैं, आपको वोट कटवा कह रहे हैं। कौन बड़े नेता सिवान कौन है? बड़ा कौन होता है? गोड़ चुके प्रणाम करे नहीं, आगे भी करत रहे। आपको वोट कटवा कहे, चोर कहे, चुहार कहे, डकैत कहे, कल खिसियाएंगे हारने लगेंगे तो बहुत कुछ कहेंगे, अपराधी कहेंगे, चोर कहे, चुहार कहे, डकैत कहे, मोटरसाइकिल छेड़े वाला कहे लगे, तो हमारे तो वो गार्जियन रही है। चाचा जी आपके कह रहे हैं कि कहां दुनी से पैसा वैसा लाया, चार दिन बांटे उठेगा फिर गायब हो जाएगा। आप अपने से पैसा देके सिवान उनके घरवा के सामने को बैंक में उहे लूटे नहीं का हम ऐसा कुछ ना, गार्जियन है, गार्जियन रहेंगे, थोड़ा खीस में बोल रहे हैं, उनको लग रहा है वोट कटवा है। 2015 में वो भी चुनाव लड़े थे निर्दलीय, 2015 में वो भी लड़े थे, लेकिन कोई उनको वोट कटवा तो नहीं कहा, और भी तो कैंडिडेट थे ना पार्टी से। अरे मान लीजिए कि उस समय भी जदयू और राजद का गठबंधन था ना, जिससे कोई कैंडिडेट था सिवान में ना, तो निर्दल वो भी लड़े थे। कभी भी नहीं दूसरे का दामन छेद देखने से पहले अपने दामन को निहार लेना चाहिए। चलिए एक अंतिम सवाल होगा, अभी जो जदयू के उम्मीदवार हैं, जो एनडीए के उम्मीदवार, वो लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग दिन रात इसी चिंता में हैं कि हम लोग 3 लाख से जीतें कि 6 लाख से जीतें। उनके लिए हम टिकट करा देंगे रांची का फ्री में, काहे कि हम जीवन सेवा सदन के तरफ से टिकट भी कराते हैं, इलाज कराने भेजते हैं, गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली, एम्स तक भेजते हैं टिकट करा के अपने खर्चे से। तो अगर उनको लास्ट में जरूरत पड़ेगा तो हमसे भी टिकट करवा लेंगे। नहीं हमारे यहाँ उसका इलाज, उस बीमारी का इलाज हमारे हॉस्पिटल, वो हमारे यहाँ उस बीमारी का इलाज नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम बीमारी का इलाज जो करते हैं कराते हैं वही व्यवस्था, बाकी लोग हम टिकट करा के आगरा चाहे रांची भेज देते हैं। भय मुक्त बनाना चाहते हैं एनडीए प्रत्याशी जो लड़ रहे हैं सिवान, 47 चलने लगेगा। और 47 कौन कौन चलाया है, कितना हत्या किया है, कितना अपराध किया है, जनता से छिपा नहीं है। अब तो लोग हमको भी कहने लगेंगे, दो चार को केस का ब्यौरा दिए थे तो हम तो रिहाई ले लिए भाई, कि हम निर्दोष थे, गोड़ पकड़ लिए जाके कि हमारा काहे फंसाओ तो लो भाई, तो हम तो रिहाई ले लिए, हमारा कोनो केस में जाके देखिएगा रिहाई मिल गया, काहे हम निर्दोष थे, जमीन के कारोबारी थे, इसे भाग गए नहीं गोरखपुर को, नहीं ना रहे सिवान में ना फौसे में, सब सिवान में थोड़ा सा झमझम है तो हम अपना गोरखपुर में सेटल्ड हो गए थे, तो आ गए माता जी की कृपा थी, चेयरमैन का चुनाव नहीं होता, अभी बिजनेस कर रहे होते बहुत आगे होते, शायद बिजनेस में बहुत आगे, लेकिन अब आ गए तो तूल पकड़े हुए हैं कि जब तक सिवान में बदलाव पूरी तरह से नहीं लाएंगे, जब तक बड़का नेता लो जैसे अभी बोले ना बड़का नेता घाम में उतर के खेत में जाके जले लोग से ही ना कहिलो कि तारा समस्या का बा बताओ, तारा यहाँ के रोड ना लगे परेशानी बा, कि स्कूल के परेशानी बा, कि सामुदायिक भवन के परेशानी बा, कि आवास के इंदिरा आवास के परेशानी बा, जब ये नेता लोग गाँव गाँव जाके पूछे लगी लो तब तक हम लड़े, मुझे ये लोग पूछे लगी लो तो हमारा सपना पूरा हो जाए। एक अंतिम सवाल रहेगा, लोकसभा चुनाव ही जीवन यादव का अंतिम चुनाव रहेगा कि इसके आगे भी समाज सेवा जारी रहेगा? चुनाव लड़े ना लड़े सेवा जारी रहेगा। सेवा जारी।